बसपा सपा जिंदाबाद, बसपा सपा जिंदाबाद, बहन कुमारी माते जिंदाबाद, बहन कुमारी माते जिंदाबाद। बसपा सपा जिंदाबाद, बसपा सपा जिंदाबाद, बहन कुमारी माते जिंदाबाद, बहन कुमारी माते जिंदाबाद। के बेटे हैं श्री अखिलेश यादव जी का साइकिल चुनाव चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं। जब श्री अखिलेश यादव को ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक आजमगढ़ से, तो शायद कांग्रेस का ही उम्मीदवार है ना, कांग्रेस का एक उम्मीदवार आजमगढ़ से इधर आकर वो प्रचार कर रहा है कि मैं इधर आजमगढ़ में श्री अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर से आ गया हूँ। तो कांग्रेस के उम्मीदवार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप श्री अखिलेश यादव के शुभ चिंतक होते तो आपको फिर किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, बल्कि आपको आजमगढ़ में ही रहकर श्री अखिलेश यादव को ये चुनाव लड़ाना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है दाल में जरूर काला है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको जानबूझकर कांग्रेस पार्टी में भेजा है ताकि आप टिकट ले आओ और यहाँ पर यादव समाज का वोट बढ़ जाए और जिससे सपा बसपा गठबंधन में दरार पड़ जाए। आज वो सब वादे भूल गए जो वादे किए थे उन्होंने 2014 में, एक एक वादा भूल गए। हमारा किसान बर्बाद कर दिया इन्होंने और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए कि जो हमारा किसान खाद और यूरिया खरीदता था उसकी बोरी से भी 5 किलो की खाद चोरी कर ली। बताओ चोरी हो गई कि नहीं हो गई खाद से? जो चाय वाले बनकर के आए वो अब चौकीदार बनकर के आ रहे हैं, सावधान रहना। बताओ सावधान हो कि नहीं? और अगर ये बात जो कह रहे हो वो जान गए हो तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? तो अकेले चौकी छीनने से काम नहीं चलेगा। एक लखनऊ में भी बैठे हैं ठोको नीति वाले ठोकीदार, और जब से उन्होंने ठोकी नीति चलाई है जहां पुलिस को मौका मिल रहा है जनता को ठोक रही, और जब कभी जनता को मौका मिल जा रहा है तो पुलिस ठोक रही है। बताओ ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? बर्बाद कर दी कानून व्यवस्था। ये जब अपने 2014 के सब वादे भूल गए तो कहते हैं कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, आतंकवाद से लड़ेंगे। कोई देश को आतंकवाद से नहीं बचा सकता है, केवल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। लेकिन सोचो हमारे साथियों, कभी जो देश से आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं वही एक बीएसएफ के जवान से कैसे घबरा गए यही बनारस में? बताओ।